नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं उमेश कुमार। इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन अभिव्यक्ति कैसे होती है, और अगले वीडियो में दूंगा इसका सेकंड पार्ट जो दूंगा वो रेगुलेशन से संबंधित होगा, नियमन से संबंधित होगा। याद रखेंगे, मतलब उसमें मैं लैक ओपेरॉन मॉडल के बारे में चर्चा करूँगा। तो इस लेक्चर में मैं सिर्फ जीन एक्सप्रेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि कैसे जीन एक्सप्रेस होती है। तो शुरू करता हूँ ये वीडियो। आपको पता है कि हर जीव में अनेक जीन्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जितने होते हैं उससे कई हजारों और लाख गुणा संख्या में आपको जीन देखने को मिल सकता है। मतलब सभी जीवों में, प्रत्येक जीव में कहना चाहिए, संख्यात्मक और गुणात्मक रूप से जीव के सभी कोशिका में जीन एक समान होते हैं। सभी प्रोटीन्स एवं एंजाइम्स को उत्पन्न करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि एक जीव की कोशिकाओं में जीन एक साथ कार्य नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, किसी सीड का अगर जर्मिनेशन देखना है आपको तो वो देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अगर बीज के अंकुरण के समय हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का निर्माण तेजी से होता है, फूल के निर्माण के समय कुछ दूसरे एंजाइम का संश्लेषण होता है, ठीक है वैसे ही एनिमल्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के समय अलग प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं, यहाँ तक कि एक ही साथ अलग अलग अंगों में, जैसे लीवर हो गया, टेस्टिस हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया और ओवरी हो गया, इन सभी अंगों में अलग अलग जीन सक्रिय होता है और कई प्रकार के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। इसलिए ऐसी स्थिति में कोशिकाओं में कुछ ऐसी क्रियाविधि का होना आवश्यक है जो केवल उपयुक्त जीनों को ही क्रियाशील होने दे तथा गैर जरूरी जो जीन होते हैं उसको निष्क्रिय कर दे। यह क्रिया जीन रेगुलेशन या नियमन कहलाती है। समझ में आया? जीन एक्सप्रेशन में रेगुलेशन भी आता है, याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन। कहने का मतलब ये है कि एक जीव में लाखों की संख्या में जीन पाए जाते हैं, ठीक है, वो जीन जीव की कोशिका में एक साथ कार्य नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? ठीक है, उदाहरण मैंने दो दिया आपको, आप समझ गए होंगे कि क्या आपको इस वीडियो के लक्षण में देखने वाले हैं या मिलने वाला है आपको। ठीक है, बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट कर रही है, आपके कमेंट से मैं अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन विनिमय जो होता है वो अलग ही प्रकार का, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो जीन विनिमय होता है वो अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो भाग में इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में, टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन पाया जाता है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से होता है रेगुलेट प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कैसे होगा? जितने भी प्रकार के प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती है सब में जीन क्रिया का नियमन ई कोलाई नामक जीवाणु में किया गया है। मतलब कौन से एनिमल में? ई कोलाई नामक जीवाणु में किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो नियमन पाया जाता है, जो रेगुलेशन पाया जाता है, वो दो प्रकार में पाया जाएगा। देखिए, दो प्रकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट टाइप इसमें आता है जिसको बोलते हैं इंडक्शन या इंड्यूशन भी बोल सकते हैं आप इसको। इंडक्शन मीन्स होता है प्रेरण। तो प्रेरण क्या होगा, आप देखिए, प्रेरण या इसको मोटिवेशन भी कह सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग प्रेरण द्वारा जीन या जीनों को एंजाइम उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब कोई ऐसे पदार्थ होता है प्रकृति में जो एंजाइम को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो एंजाइम निर्माण को प्रेरित करने वाले पदार्थ को इंड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूसर। एंजाइम निर्माण को प्रेरित करने वाले पदार्थ को इंड्यूसर कहते हैं। ठीक है, और अगर आनुवंशिक तंत्र में इस प्रकार के एंजाइम के संश्लेषण करने वाले तंत्र को, मतलब आनुवंशिक तंत्र एक ऐसा आनुवंशिक तंत्र जो इस प्रकार के एंजाइम को संश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी हो, इस प्रकार के एंजाइम कहने का मतलब जीव के अंदर जिस एंजाइम की जरूरत है उस प्रकार के एंजाइम्स को बनाने के लिए उत्तरदायी हो, वो कहलाता है इंड्यूसिबल सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? इंड्यूसिबल सिस्टम कहलाता है, मतलब प्रेरणी तंत्र कहलाता है। समझ में आ गया?
समझ में आ गया होगा आपको। इंड्यूसर जो कि एंजाइम निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, प्रेरक कहलाता है, और ये एक सिस्टम है जिसके जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस एंजाइम्स को बनाने के लिए। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या दिखता है आपको, ई कोलाई नामक जो एनिमल होता है, प्रोकैरियोट एनिमल है, इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो लैक्टोज शर्करा के जल अपघटन को प्रेरित करता है और बाद में उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ई कोलाई नामक जीवाणु में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम पाया जाता है। समझ में आ गया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है उसके शरीर में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए जो लैक्टोज शर्करा रहता है, लैक्टोज शुगर जो रहता है, ठीक है, ये उपापचय पदार्थ में बनी हुई एक कंपाउंड है, एक यौगिक है लैक्टोज शुगर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइड गैलेक्टोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया? यदि ई कोलाई कोशिकाओं को ऐसे कल्चर्ड मीडियम में उगाया जाए जिसमें लैक्टोज शर्करा पहले से उपस्थित हो, ठीक है ना, समझ गया, एक लैक्टोज शुगर है जिसको पचाने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो उसकी जीन बनाते हैं, ठीक है। यदि उस ई कोलाई नामक एनिमल्स को एक कल्चर्ड मीडियम में उगाया जाए, कल्चर्ड मीडियम में अगर हम उगाएं, कहने का मतलब संवर्धित माध्यम में रखें जिस माध्यम में लैक्टोज शर्करा पहले से उपस्थित हो, क्या होगा, लैक्टोज शुगर पहले से उपस्थित हो वहां पर, तब क्या होगा, लैक्टोज शर्करा उपस्थित हो तो एंजाइम का संश्लेषण तेजी से हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर कल्चर्ड मीडियम जो रहता है उसमें लैक्टोज के अब्सेंट होने पर भी पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता। मतलब एक ऐसा कल्चर्ड मीडियम में उगाया गया है ई कोलाई को जहां पर लैक्टोज शुगर है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसाइज हो जाता है, निर्माण हो जाता है। लेकिन ये कब की स्थिति में है, जब प्रेरक पदार्थ उपस्थित हो तब, प्रेजेंट हो तब। लेकिन जब माध्यम में यही अब्सेंट हो तब क्या होगा, अगर अब्सेंट हो तब क्या होगा, डज नॉट सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब इसका सिंथेसिस इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट कर देता है मतलब रोक देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण को, ठीक है, क्यों, क्योंकि माध्यम में प्रेरक पदार्थ लैक्टोशर्करा उपस्थित नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन जैसे ही उस माध्यम में हम लैक्टोज शुगर डालते हैं वह एंजाइम का संश्लेषण शुरू कर देता है, ठीक है। इस एंजाइम का संश्लेषण सबस्ट्रेट के मिलाने से प्रेरित किया जा सकता है, मतलब एंजाइम का संश्लेषण में अभिकारक ये सबस्ट्रेट के मिलाने से प्रेरित कर सकते हैं आप। ऐसे एंजाइम को प्रेरणी एंजाइम्स कहते हैं, इंड्यूसिबल एंजाइम्स कहते हैं, और इस पूरे कंट्रोल्ड को इंड्यूसिबल सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यदि माध्यम में लैक्टोज शर्करा उपस्थित है, लैक्टोज शर्करा है तो अच्छे अमाउंट में, अब ग्राफ से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, अगर माध्यम में लैक्टोज है, क्या है, लैक्टोज है, ठीक है, तो यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण काफ़ी तेज़ी से होगा, कहने मतलब ये ग्राफ लगभग इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण तेज़ी से मिलेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। दूसरा आता है इसमें इंड्यूसर के बाद में आता है प्रोकैरियोट्स में रिप्रेशन, क्या आता है, रिप्रेशन या रिप्रेसर, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है रिप्रेशन, रिप्रेशन, रिप्रेशन मीन्स होता है दमन, इंड्यूशन इंडक्शन मीन्स था प्रेरण, इसका मतलब होता है दमन, वो प्रेरित करता है या दबाता है, दबाने वाला है, इनहिबिट करने वाला, रोकने वाला है, ठीक है, ये प्रेरण के विपरीत कार्य करता है। दमन की क्रिया द्वारा जीन की क्रियाशीलता अवरुद्ध हो जाती है, निरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण जीन के द्वारा विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम का संश्लेषण कम होता है या रुक जाता है, ठीक है। अगर माध्यम में ये पदार्थ उपस्थित है, मतलब जान लीजिए कि वो दमनकर की भांति काम करेगा, ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ जो प्रोटीन या एंजाइम संश्लेषण को रोके रिप्रेशर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिप्रेशर कहलाएगा, जो एंजाइम और प्रोटीन निर्माण को रोके,
ठीक है। एग्जाम्पल जो मैंने इकोलाई बताया था उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इकोलाई में कोशिका भित्ति में अमीनो अम्ल के संश्लेषण हेतु जितने भी आवश्यक एंजाइम है वो संश्लेषण कर लेती है इकोलाई, लेकिन यदि किसी अमीनो अम्ल को कल्चर माध्यम में डाल दिया जाए तो उस अमीनो अम्ल के लिए आवश्यक एंजाइम का संश्लेषण बंद हो जाता है। कारण क्या है भाई? उसके बॉडी में, इकोलाई के बॉडी में अमीनो अम्ल का निर्माण होना है, ठीक है ना। उपापचय से संबंधित, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी से संबंधित उपापचय या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होना जरूरी है। लेकिन जब माध्यम में आप ऑलरेडी कोई कल्चर्ड मीडियम में अमीनो एसिड डाल देते हैं या आवश्यक एंजाइम डाल देते हैं तो आवश्यक एंजाइम का संश्लेषण वहाँ पर बंद हो जाता है। ये होता है रिप्रेशर। समझ में आया? तो एग्जाम्पल देख लीजिए इसके भी, ठीक है। ये भी ई कोलाई में ही बताया गया है, ई कोलाई नामक एनिमल में, प्रोकैरियोट्स एनिमल उसमें बताया गया है। यदि आप कल्चर्ड मीडियम में हिस्टिडीन नामक प्रोडक्ट डालते हैं, हिस्टिडीन नामक एक उत्पाद डालते हैं, मतलब ये एक अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन अमीनो अम्ल है, ये मिला देते हैं कल्चर्ड मीडियम में, तो हिस्टिडीन का संश्लेषण करने वाले एंजाइम का उत्पादन कम हो जाता है। ऑलरेडी आप कल्चर्ड मीडियम में हिस्टिडीन मिला दिए तो इसको संश्लेषण करने वाले एंजाइम का उत्पादन कम हो जाता है, हिस्टिडीन को निर्मित करने वाले एंजाइम का उत्पादन कम हो जाएगा, ठीक है। वो जो एंजाइम होगा दमनशील एंजाइम, रिप्रेसिबल एंजाइम कहलाएगा, ठीक है ना। और उस पूरे दमनकर तंत्र को रिप्रेसिबल सिस्टम कहेंगे, दमनशील तंत्र कहेंगे। समझ में आया? क्या कहेंगे? दमनशील तंत्र कहेंगे। समझ में आया? जिस जीन की अभिव्यक्ति बंद हो जाती है उसको रिप्रेस्ड जीन कहेंगे, जिस जीन की अभिव्यक्ति बंद हो जाती है उसको रिप्रेस्ड जीन कहेंगे। और जीन की क्रियाशीलता यदि फिर से पुनः प्रारंभ हो जाए तो वो हो जाती है डी रिप्रेस्ड जीन कहलाएगा। क्लियर है? समझ गए होंगे आप? इसको बताने के लिए एक ग्राफ में यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। इस ग्राफ में आपको ये देखने को मिलेगा, यदि माध्यम में हम हिस्टिडीन मिलाते हैं, हिस्टिडीन नामक एक अमीनो एसिड पहले से मिला देते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर अमाउंट ऑफ हिस्टिडीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम, मतलब मैं यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूँ ENZYMA, ठीक है, अमाउंट ऑफ हिस्टिडीन सिंथेसाइज एंजाइम लो, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस प्रकार का ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा अगर आप ऐसा मार्किंग करते हैं तो इस प्रकार ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा। समझ में? कहने का मतलब जिस एंजाइम का निर्माण उसको निर्मित करने के लिए होना है, हिस्टिडीन को निर्मित करने के लिए होना है, वो एंजाइम इसमें क्या होगा? निर्मित ही नहीं होगा, क्योंकि आपने बाह्य माध्यम से, बाहरी माध्यम से उसमें आपूर्ति कर दी है, हिस्टिडीन पहले से डाल दिया है। तो हिस्टिडीन जो पदार्थ है, हिस्टिडीन पदार्थ किस के भांति काम करता है? रिप्रेसर या दमनकर की भांति काम करता है, ठीक है। तो ऐसे जीन जो ऐसे एंजाइम जो हिस्टिडीन के संश्लेषण करने वाले एंजाइम का उत्पादन करते हैं दमनशील एंजाइम कहलाएगा, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को दमनशील एंजाइम कहलाएगा, पूरे सिस्टम को रिप्रेसिबल सिस्टम है, दमनशील तंत्र कहलाएगा। जो जीन काम करना बंद कर देगा, अभिव्यक्ति बंद हो जाएगा, उसको रिप्रेस्ड जीन कहेंगे। उसकी क्रियाशीलता यदि पुनः प्रारंभ हो जाती है तो डी रिप्रेस्ड जीन कहेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा चर्चा मैं करता हूँ यूकैरियोट्स में कैसे होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स लिखते हूँ ऐसा, ठीक है। तो इसमें जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है यूकैरियोट सेल्स में? यूकैरियोटिक चूंकि ज़्यादा विकसित होता है, जाहिर सी बात है इसमें जो एक्सप्रेशन की प्रक्रिया होगी वो काफ़ी जटिल, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी वाला होगा। यूकैरियोटिक की जीन की संरचना भी प्रोकैरियोट्स की अपेक्षा ज़्यादा कठिन होती है। आपको पता है जीवाणु डीएनए के जीन का क्रम ज्ञात होता है, जब हमें जीवाणुविक डीएनए का क्रम ज्ञात होता है तब प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम का अनुमान आसानी से आप लगा सकते हैं, क्योंकि त्रिक कोडान के आधार पर हम कोडान के क्रम और अमीनो अम्ल का क्रम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यूकैरियोट्स से संबंधित जितने भी जीव होते हैं उसमें क्रियाशीलता एक अकेले ओपेरान का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ओपेरान मॉडल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यूकैरियोट्स में
जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। प्रमोटर भाग के द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन एक जीन का नियमन डीएनए के कई प्रमोटर भागों से किया जाता है ना। अतः जीनों की अत्यधिक संख्या के लिए डीएनए पर स्थित ट्रिकोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम के अनुरूप नहीं होते, अर्थात आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को जोड़ने के लिए जीन में उपस्थित अनुवांशिक सूचनाएं रेगुलर नहीं होती, सतत नहीं होती, कंटिन्यूस नहीं होती। यह देखा गया है कि यूकेरियोट्स में अमीनो अम्लों की कोडिंग करने वाले न्यूक्लियोटाइड्स के बीच कुछ कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं जो अमीनो अम्ल की कोडिंग नहीं करते। समझ में? तो इस क्रियाशीलता के आधार पर यूकेरियोटिक जीन के दो भाग होते हैं। एक पार्ट होता है एक्सॉन, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट होता है इंट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एक स्टैंड मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट प्रमोटर अगर कहेंगे आप, प्रमोटर, ठीक है। सेकेंड पार्ट का नाम दे देते हैं हम एक्सॉन, ठीक है। ये खाली स्पेस को इंट्रॉन, देन एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, ये ऐसा बना हुआ आपको दिखाई देगा। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये पूरी प्रक्रिया न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। ये पूरा डीएनए का हेलिक्स है, ऐसा ये ऐसा आगे बढ़ा देता हूँ तो आप समझ गए होंगे। थ्री डेज ये हो गया, ठीक है ना। ये डीएनए का एक हेलिक्स है। इस डीएनए की हेलिक्स में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फलस्वरूप मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, अनप्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन। मान लो यहाँ पर हो रहा है, फिर यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर यहाँ पर आरएनए का ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्प्लिसिंग प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर मैसेंजर आरएनए पूरे ऐसे एक रेखीय क्रम में प्राप्त हो जाएगा, 5 डेज 3 डेज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। समझ में आया, ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। जैसे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये होगा मैसेंजर आरएनए। जैसे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर होगा ट्रांसलेशन, टीएल लिख रहा हूँ, ट्रांसलेशन होगा। फलस्वरूप प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा या फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। तो एक्सॉन और इंट्रॉन दो भाग होते हैं। डीएनए या जीन का वह भाग होता है जो मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब एक्सॉन पार्ट में ही मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, याद रखेंगे। कहाँ पर होता है, मैसेंजर आरएनए में ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, अमीनो अम्ल की कोडिंग करता है, उसे एक्सॉन कहेंगे, जो अमीनो अम्ल की कोडिंग करेगा, ठीक है। इंट्रॉन्स क्या होता है, डीएनए में जीन का वह भाग होता है जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब नहीं करता, जो इंट्रॉन होता है यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, याद रखेंगे। जो इंट्रॉन्स होते हैं वहाँ पर मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, क्लियर है। सक्रिय मैसेंजर आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया जिसमें आरएनए के इंट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, वे भाग जो अमीनो अम्ल को कोडिंग करते हैं, एक्सॉन का आपस में जुड़ जाना स्प्लिसिंग कहलाता है। एक्सॉन जो होते हैं आपस में यहाँ पर जुड़ जाता है, स्प्लिसिंग एंड प्रोसेसिंग, जो एक्सॉन आपस में जुड़ गए, कहने का मतलब ये टुकड़े टुकड़े में जो मैसेंजर आरएनए बना है कह सकते हैं आप, वो जुड़ गया ऐसा कहेंगे यहाँ पर, मतलब एक्सॉन पार्ट आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। जिसमें इंट्रॉनिक एवं जनिक भाग भी होंगे जो ट्रांसक्रिप्शन के समय होता है, ठीक है। इसमें एक विषमांगी HnRNA बनते हैं, अब कह सकते हैं कि HnRNA जो कि वास्तविक मैसेंजर आरएनए का प्रिकर्सर होता है, विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये कर लेता है, ठीक है। अगर जीन एक्सप्रेशन में हम थोड़ा सा आगे जाएं तो इसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से एक सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन रेगुलेटरी थ्योरी, प्रोटीन नियामक सिद्धांत, ठीक है। यूकेरियोटिक गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, आपको पता है कि प्रोटीन डीएनए के दो भाग होंगे, दो प्रोटीन होंगे, उसमें एक हिस्टोन और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना गया है कि हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन को बनाने का कार्य करता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जीन नियमन की भूमिका निभाता है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन की बात कर रहे हैं। इस सिद्धांत के पक्ष में गिलमोर और पॉल ने बताया था कि क्रोप्रोटीन के डीएनए द्वारा मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण नॉन हिस्टोन प्रोटीन के स्रोत पर निर्भर करता है, मतलब जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वही जीन नियमन में भाग ले, और जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका काम क्या होगा, प्रोटीन के क्रोमेटिन बनाने का कार्य करेगा। ये प्रोटीन रेगुलेटरी थ्योरी हो गया, ठीक है। दूसरा में अगर जाएं तो स्टेरॉइड हार्मोन एंड जीन रेगुलेशन में होता है,
स्टीरॉयड हार्मोन एंड जीन रेगुलेशन। स्टीरॉयड हार्मोन जीन रेगुलेशन, इसमें बताया गया है इस सिद्धांत के अनुसार कि कई स्टेरॉयड हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये कुछ जीन का नियमन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हैं आप, जो चूजे होते हैं अंडे से निकलने वाले, उनके अंडवाहिनी में प्रोटीन ओवल एल्बुमिन का संश्लेषण एस्ट्रोजन की उपस्थिति में होता है। कोशिका द्रव्य में एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। वो जो कॉम्प्लेक्स होता है केंद्र के अंदर स्थानांतरित होते हैं और डीएनए से जुड़ जाता है, और वह ओवल एल्बुमिन प्रोटीन के उत्पादन के लिए मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन की सिग्नलिंग में मदद करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए यहाँ पर एंजाइम्स बनता है, एंजाइम्स के द्वारा उसका रेगुलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और आता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटन डेविडसन मॉडल। ठीक है, इसी को जीन बैटरी मॉडल भी कहते हैं, जीन बैटरी मॉडल भी कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आरजे ब्रिटन ईएच डेविडसन 1969 में एक चर्चित मॉडल दिया था जीन बैटरी मॉडल। ठीक है, इसमें बताया गया था कि कुछ यूकेरियोट्स के ओपेरॉन मॉडल के ही समान होते हैं। इसके लिए इन्होंने बताया था कि संरचनात्मक जीन्स के लिए प्रोड्यूसर शब्द का उपयोग किया गया, ऑपरेटर जीन के लिए रिसेप्टर साइट का, और रेगुलेटर जीन के स्थान रेगुलेटर के स्थान पर जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। इंटीग्रेटर साइट का नियमन सेंसर साइट के द्वारा होता है, ऐसा बताया था इन्होंने। मतलब ये कह सकते हैं आप, इस प्रकार का अगर एक डीएनए का स्ट्रक्चर है तो इसमें एक साइट होगा सेंसर का, ठीक है, दूसरा साइट होगा इंटीग्रेटर का साइट होगा। ठीक है, ये जो सेंसर साइट होता है यही एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेटर आरएनए के भांति काम करेगा। ठीक है, समझ में आया। और इसमें जो दूसरा प्रक्रिया होगा वो होगा एक जीन का खंड, जो ऑपरेटर जीन का खंड होगा उसको रिसेप्टर साइट बोलेंगे। ठीक है, इसमें ये वाला साइट रिसेप्टर साइट है, तो ये हो गया रिसेप्टर साइट। ठीक है, और ये होता है एक सिंपल जीन या स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्टिवेटर आरएनए बनेगा वो एक्सेप्टर साइट के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो जीन बैटरी मॉडल में प्रोड्यूसर एवं इंटीग्रेटर, ठीक है ना, प्रोड्यूसर और इंटीग्रेटर, प्रोड्यूसर किसको कहा गया है और इंटीग्रेटर किसको कहा गया है, इंटीग्रेटर किसको कहा गया है, एक साइट को इंटीग्रेटर, दूसरे साइड को प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर और इंटीग्रेटर जीन एक अनुक्रम के अनुक्रम होते हैं। प्रोड्यूसर के अनुक्रम है इंटीग्रेटर, आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। सेंसर और रिसेप्टर ऐसे यहाँ पर अनुक्रम होते हैं जो आरएनए के संश्लेषण में भाग नहीं लेते, केवल अणुओं को पहचानने का काम करता है। जीन बैटरी कहने का मतलब है ब्रिटन और डेविडसन ने अपने मॉडल में सेंसर स्थल द्वारा नियंत्रित प्रोड्यूसर जीनों के समूह को बैटरी कहा। सेंसर स्थल के द्वारा, सेंसर साइट के द्वारा प्रोड्यूसर जीन के समूह को बैटरी कहा, ठीक है ना, या बैटरी जीनों के समूह को एक साथ सक्रिय करने का कार्य करती है, जिसके परिणामस्वरूप एक ही समय में सभी इंटीग्रेटेड जीनों के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें एक और आता है जिसको बोलते हैं टाटा बॉक्स या और कार्ड बॉक्स, टाटा बॉक्स और कार्ड बॉक्स। ठीक है, डीएनए की श्रृंखला में कुछ जीन रेगुलेटरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त किया गया है। बताया गया है कि जैसे 30 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम जिसमें टाटा क्षारकों का अनुक्रम पाया जाता है। अधिकांश यूकेरियोट्स में 30 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम छोटा अनुक्रम पाया जाता है, जो कि उनमें अनुलेखन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था, किसमें, टाटा बॉक्स में। ठीक है ना, इस अनुक्रम की खोज गोल्डबर्ग और होगेंस नामक साइंटिस्ट ने 1979 और 80 में किया था। गोल्डबर्ग होगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स कहा गया इसको। टाटा बॉक्स पूर्व और बाद में 200 क्षारों के अनुक्रम तक ठीक इसी प्रकार के अनुक्रम पाए जाते हैं। मतलब 30 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम है ना, टाटा बॉक्स याद रखेंगे। 200 तक क्षारक का अनुक्रम सीक्वेंस इसमें देखने को मिलता है, जो कि किसी न किसी रूप में अनुलेखन क्रिया का नियंत्रण करता है। और कार्ड बॉक्स क्या होता है, टाटा के अतिरिक्त जो बाद में पूर्व, पहले और बाद में
30 क्षार का जो सीक्वेंस मिलेगा किसी न किसी रूप में ट्रांसक्रिप्शन करेगा, वो काट बॉक्स कहलाएगा। टाटा में क्या होता है, 30 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम का मिलेगा जो टाटा क्षारक अनुक्रम कहलाएगा, छोटा अनुक्रम होता है सॉरी छोटा अनुक्रम है। इसमें काट में 200 क्षार का सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, प्रमोटर में 70 से 80 क्षारक युग्म बेस पेयर, टाटा बॉक्स में लगभग 200 बेस ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा पूर्ण कर ली जाती है। ठीक है, तो ये था जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स एंड जीन एक्सप्रेशन में। वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर शेयर कर कमेंट कर, चैनल पर पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।